दोस्तों आज है मेरे पास DJI Osmo एक्शन कैमरा और आज मैं करने वाला हूँ इसी एक्शन कैमरे की अनबॉक्सिंग। देखते हैं क्या क्या फीचर इस कैमरे में मिलता है और इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है एक्शन कैमरे के साथ। अगर आप एक मोटो ब्लॉगर हो या फिर ट्रैवलिंग वीडियोस बनाते हो या फिर ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने वाले हो तो ये कैमरा आपके लिए कितना ज्यादा वर्थी होगा, प्राइस को लेकर, फीचर को लेकर, वीडियो क्वालिटी को लेकर और स्टेबलाइजेशन को लेकर। क्योंकि ये एक्शन कैमरा यार ज्यादातर लोग स्टेबलाइज वीडियो मतलब कि वीडियो हिले डुले ना कहीं भी उसके लिए लेते हैं और मोटो ब्लॉगिंग के लिए काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो ये एक्शन कैमरा DJI की तरफ से आता है और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है और ये कितने प्राइस का था। हेलो दोस्तों नमस्कार, इसमें आशीष कुमार, इनोवाचिंग टेक सपोर्ट आशीष यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का ये अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है DJI Osmo एक्शन कैमरा का बॉक्स। ये कुछ बॉक्स का इस तरह से व्यूज आता है, आप चारों तरफ से देख सकते हो और यहाँ पे आपको Osmo एक्शन मिल जाता है, कुछ चाइनीज में भी वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको डुअल स्क्रीन मिल जाता है, 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाता है, 11 मीटर तक आपको वाटर प्रूफ मिल जाता है, रॉक स्टडी मोड मिल जाता है, GoPro में आपको हाइपर स्मूथ मिलता है लेकिन इसमें आपको रॉक स्टडी मिल जाता है, 4K वीडियोज आपका शूट होगा 60 FPS पे और 8x आपका स्लो मोशन वीडियोस मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। इस बॉक्स में आपको मिलता है Osmo एक्शन कैमरा, बैटरी मिलता है, USB टाइप सी केबल मिलता है, एक क्विक रिलीज बेस मिलता है आपको। तो चलो इसको मैंने पहले ही अनबॉक्स कर चुका था क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे साथ एक बार Amazon से फ्रॉड हो चुका था तो मैंने Flipkart से मंगाया था। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो Flipkart का ये बॉक्स है और यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग वही डिलीवरी बॉय से करवा लिया था। अगर आपने वो अनबॉक्सिंग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। तो अब मैं यहां से इस बॉक्स को खोलता हूं। या बॉक्स खोलते हो तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है। ये आपको मेन कैमरा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये मेन कैमरा है। तो इस कैमरे को भी हम साइड में रखते हैं, ये कुछ ऐसा कवर है। और एक यहाँ पे आपको एक और बॉक्स मिल जाता है, इस बॉक्स में आपको माउंट्स मिलेंगे, लॉकिंग स्क्रू मिलेगा और यहाँ पे बैटरी मिलेगा। तो ये एक आपका माउंट है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। एक USB टाइप सी केबल है, ये देख सकते हो, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे एक आपको बैटरी केस मिलता है, बाकी एक दो चीज था जो मैं बाहर निकाल के इसको रख लिया हूं। तो यहाँ पे आपको ये बैटरी केस मिलता है जिसके अंदर आपको एक बैटरी मिल जाता है, ठीक है। और ये जो बैटरी का जो इमेज है वो है 1300 mAh का, ठीक है, 3.85 वोल्ट का, ठीक है। तो चलो माउंट बैटरी केस को भी मैं साइड में रखता हूं। अब मैं आता हूं इस कैमरे के ऊपर। तो इस कैमरे में आपको डुअल स्क्रीन मिलता है, एक आप देख सकते हो सामने की तरफ स्क्रीन है जिसमें ये कवर लगा हुआ है और एक यहाँ पे आपको लेंस मिल जाता है। ये जो लेंस है आपका, आप इसको रिमूव करके ND फिल्टर भी लगा सकते हो, ND फिल्टर से आप वीडियोस की क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो ये जो है आपका खुल गया और इसमें आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, ठीक है मेरे भाई, जिससे कि आप चारों तरफ मतलब कि थोड़ा सा वाइड व्यूज भी ले सकते हो और अपनी वीडियोस की क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से पहले मैं लगा देता हूं अच्छे से, बहुत महंगा है, ठीक है। ये आपको ऊपर से एक कवर मिल जाता है DJI Osmo की तरफ से, ये कवर को आप ऐसे करके ऐसे यहां से आप खोल सकते हो और यहां से ये आपका कवर खुल गया। ये कवर यहां से इस तरह से खुलता है, उसके बाद आप कैमरे को यहां से आपको कर देना है, निकाल देना है। यहां पे ये देख सकते हो ये सिल्वर कलर का ये कैमरा है, साथ में ग्रे का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है पावर ऑन ऑफ का, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है स्विच मोड का और एक यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, इस बटन से आप जो है सामने का जो स्क्रीन है उसको आप देख सकते हो। और ये जो कैमरा है वो लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट पे ये वर्क कर रहा है। तो अब इसमें चलो मैं बैटरी को पुट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी जो है इसके अंदर जाता है और बैटरी को लगाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करने का है। यहाँ पे एक मिनट, इधर से जाएगा बैटरी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके हल्का सा इसको आप पुश करोगे तो ये जो बैटरी है ये लग चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से इसको हल्का सा आप ऐसे करोगे ना तो ये बैटरी जो है वो निकल जाएगा। फिर इसको ऐसे करके पुश करते हो तो ये जो बैटरी है वो लग गया, ठीक है। अब इसको हम ऑन करते हैं, तो ऑन करने के लिए ये वाला जो बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है हमारा कैमरा जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप डबल टैप करते हो, यहां से मैं दिखाता हूं आपको, डबल टैप आप यहां से करते हो तो ये जो है फ्रंट स्क्रीन जो है जैसा कि आप देख सकते हो मेरे को फ्रंट स्क्रीन इसका ऑन हो जाता है। और आप यहां से भी स्विच करके फ्रंट स्क्रीन को बैक स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हो जैसा कि आप ये देख सकते हो। अब ये कैमरे का कुछ इस तरह का इंटरफेस है, बेसिकली ये GoPro के स्क्रीन से काफी ज्यादा ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा स्क्रीन है। अब यहाँ पे मैं आपको आता हूँ, यहाँ पे आपको सारा चीज मिल जाता है, कस्टम ब्राइटनेस मिल जाता है, यहाँ पे आप जाके ब्राइटनेस को ज्यादा कम
भी कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। साथ में आपको ओप्पो लॉक भी मिल जाता है, स्क्रीन लॉक भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हो और यहाँ से अनलॉक भी इसको कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है, सेटिंग में आपको वॉइस कंट्रोल भी मिल जाता है, इसमें आपको स्नैपशॉट भी मिल जाता है, क्विक स्विच भी मिल जाता है, वायरलेस कनेक्शन भी मिल जाता है, विंड नॉइज रिडक्शन यानी कि हवा का जो भी आपका हवा का जो वॉइस होगा, हवा का जो नॉइज होगा उसको ये रिडक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। साउंड भी आप इसमें एचडी क्वालिटी का रिकॉर्ड कर सकते हो और एंटी फ्लिकर भी है, साथ में आपको टेम्परेचर थ्रेशोल्ड भी है, स्क्रीन ऑफ स्लिप भी है, स्क्रीन ऑफ स्लिप भी है और ऑटो पावर ऑफ भी है। एलईडी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 720 भी रिकॉर्ड होता है, 1080p रिकॉर्ड होता है, 2.7 के रिकॉर्ड होता है, 2.7 के 4.3 रेशियो में रिकॉर्ड होता है, 4K रिकॉर्ड होता है, ठीक है, 4K 4.3 रेशियो में रिकॉर्ड आपका होता है। इसमें आप देख सकते हो इसमें आपको बहुत सारे मोड मिल जाता है, लूप रिकॉर्डिंग मिल जाता है, स्लो मोशन मिल जाता है, HDR मोड मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, हाइपर लैप्स मिल जाता है। इसमें आप फोटो भी कैप्चर कर सकते हो, ब्रश फोटो कैप्चर कर सकते हो। मैं इससे मैंने कुछ फुटेज लिया है, जैसा कि मैंने 1080p पे लिया है, 4K पे लिया है, रॉक स्टडी ऑन करके लिया है, रॉक स्टडी ऑफ करके लिया है, तो आप देख लो कि कैसा वीडियोज क्वालिटी है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, GoPro 8 क्लियर है भाई। अगर आप GoPro 8 30,000-32,000 का लेना चाहते हो तो उससे मैं बोलूंगा आपको कि ये कैमरा ले लो, बाकी मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। तो चलो अब मैं आपको कुछ वीडियो फुटेज दिखाता हूँ कि कैसा इसका रिकॉर्डिंग है, कैसा इसका क्वालिटी है, 4K में रॉक स्टडी मोड में ये कितना ज्यादा स्टेबलाइज रहता है। पेट्रोल पंप वहां से घुमाना है, क्वालिटी देखी। ये कैमरा यार मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेस्ट है। अगर आप GoPro 7 और GoPro 8 लेना चाहते हो तो ये कैमरा उसका यार किलर है, मेरे हिसाब से वो उसका किलर है यार, क्योंकि उसमें आपको फ्रंट में स्क्रीन नहीं मिलता, लेकिन इसमें आप देख सकते हो फ्रंट में स्क्रीन भी आपको मिल जाता है, जिससे कि आप मोटो ब्लॉगिंग भी हो सकता है और साथ साथ आप नॉर्मल ब्लॉगिंग भी ऐसे करके इसको माउंट करके आप कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। अब इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो ये पिछले बार जब मैंने खरीदा था, जो कि मेरे को फ्रॉड हो गया था, तो वो मेरे को 17,000 पे मिला था, इसीलिए मेरे को फ्रॉड हो गया था। लेकिन इस बार मैंने इसको मंगाया और ये मेरे को 21
1000 में ये मेरे को मिला है, जो कि एक हिसाब से ठीक ठाक है GoPro से तो काफी ज्यादा कम प्राइस में, ठीक है, मेरे हिसाब से GoPro से काफी ज्यादा कम प्राइस में, और फीचर भी काफी अच्छा है। आप देख लिए होगा ना, वीडियो क्वालिटी आप देख चुके होगे, सारा चीज इसी से लिया हुआ है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, कोई भी एडिटिंग नहीं है, सारा चीज इसी से लिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक थम्स अप यानी कि एक लाइक कर दे अपने भाई के लिए, और नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। तब तक के लिए जय हिंद, और एक लाइक यार प्लीज इस कैमरे के लिए कर देना, क्योंकि इसमें वॉइस कंट्रोल भी मिलता है, वॉइस कंट्रोल भी आपको इसमें मिल जाता है। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।